प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ क्या बुरे कामों के लिए भी भगवान ही हमारे मन को प्रेरित करता है? माँ, जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा फल मिलेगा, शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो खराब फल मिलेगा। दुनिया में पैसा मकान इत्यादि में आसक्ति रखने से स्वभाव में अभाव होगा, स्वभाव का कर्म करने से स्वभाव में अपनी स्थिति होती है, पीछे अभाव का कर्म अच्छा नहीं लगता है। तुम यदि आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करते हो तो वह स्वभाव को स्वभाव की गति से प्राप्त करने की चेष्टा है, लेकिन तुम तो अभाव का मुंह रखकर स्वभाव को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो। कैसा सुंदर है, तुम चाह रहे हो ज्ञान शक्ति लेकिन ला रहे हो अज्ञान शक्ति। लाना चाहिए अखंड ज्ञान, ला रहे हो खंड ज्ञान। तुम्हारे हृदय में भी वही भगवान है। अभाव के रास्ते में दुख है और स्वभाव के रास्ते में सुख है, भगवत प्राप्ति है। सब शक्ति तो भगवान की है, तुमको भगवान ही विचार शक्ति क्रिया शक्ति दे रहा है। जैसे तुम खाते पीते हो अपने प्रयत्न से, वैसे ही भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करो। जो भगवान की तरफ नहीं जा रहा है वह मृत्यु का रास्ता है, भगवान को पाने का रास्ता तो अमृतमय है। यह शरीर कह रहा है कि यदि भगवान में मन लग जाए तो तुम्हारी सब शक्ति भगवत प्राप्ति रूप कर्तव्य में लगा दो। परम माता, परम पिता, परम बंधु, उनके पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना घर कहाँ है? भगवान के यहाँ अपना सच्चा घर है। अपना कौन है? सिर्फ भगवान ही अपना है। तुम भगवान को किसी तरह से चाहो, प्रभु रूप से, दास रूप में या आत्मा रूप में, भगवान को प्राप्त करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शरीर तो भोग शरीर है, अभाव के भोग को भोगना पड़ता है, परम भोग है भगवान की प्राप्ति। जिसने भगवान का त्याग किया है वह तो, हंसते हंसते कटाक्ष रूप में मां कह रही हैं, महात्यागी है। परम पद को त्यागने वाला परम त्यागी है। अभाव की गति में अभाव ही रहेगा। परम वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करो तो परम भोग मिलेगा। परम भोग में अमृत है, अभाव के भोग में मृत्यु है। जब तुम बच्चे थे तब तुम खेलते थे, कूदते थे, अब वह बाल्यपन मर गया। ऐसी मृत्यु हर समय हो रही है। प्रश्न करता, माँ भगवान सब कुछ कर रहा है तब वह सद्बुद्धि क्यों नहीं देता? माँ, जगत चक्र है ना, भगवान की लीला में भिन्न भिन्न रूप होगा ही। उनकी लीला में अंधकार, प्रकाश, दुख, सुख, तरह तरह का खेल है। वहां अनंत गति, अनंत प्रकाश, अनंत स्थिति है। भगवत प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म ही एकमात्र शुभ कर्म है। इस शुभ कर्म को तुम करोगे तो भगवान जरूर मिलेगा। भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, यह प्रश्न अपने आप से पूछो। अपने मन में ऐसा भाव रखो कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। मैं अब से सुकर्म करूंगा, ऐसा निश्चय करो। एक बात है, तत्व दृष्टि से अच्छा या खराब कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारी देहात्म बुद्धि है तब तक तुमको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। भगवान कभी खराब कर्म नहीं कराता है, यह तो सिर्फ दृष्टि भ्रम है। खराब भाव के परिणाम में दुख मिलता है। दृष्टि साफ रखना चाहिए, यह सब कुछ भगवान का ही खेल है। ऐसा यदि तुम समझ लो तो खराब कुछ है ही नहीं। प्रश्न करता, मां अपनी दृष्टि का परिवर्तन कैसे करना चाहिए? मां, कैसे परिवर्तन करना चाहिए? भगवत चिंतन से। प्रश्न करता, एक पंडित जी,
अभाव और स्वभाव इसका वर्णन ईशावास्य उपनिषद में आता है, विद्याम च अविद्याम च। माँ, पंडित जी तुमने जो कहा है कि उपनिषद में है वह तो तुमसे सुना, इस शरीर को तो इसका कोई पता है ही नहीं। पंडित जी, माँ मैं तो सिर्फ पढ़ा हूँ, तोते की तरह पढ़ जाता हूँ, तत्व का मुझको कोई पता ही नहीं है। माँ, असमान स्थान पर खड़ा रहने से समान स्थान का पता कैसे लगेगा? प्रश्नकर्ता, माँ समान स्थान प्राप्त करने के लिए क्या कपड़ा बदलना चाहिए? माँ, कपड़ा नहीं बदलना, सिर्फ चश्मा बदलना है, दृष्टि का परिवर्तन करना है। प्रश्नकर्ता, माँ कोई दुष्ट दुष्ट आचरण करता है तो दुष्टाचरण को हटाने के लिए अनशन करने की भगवान किसी को प्रेरणा दें तो भगवान दुष्ट को सुधारने के लिए दुष्ट को ही सीधी प्रेरणा क्यों नहीं देता है? बीच में एजेंसी की क्या जरूरत है? माँ, पिताजी यदि ऐसी प्रेरणा मिले तो फिर पूछना क्या? कोई बीमार आदमी अपनी परिचर्या के लिए नर्स डॉक्टर रखता है, नर्स डॉक्टर मरीज को अच्छा रखने का प्रयत्न कर रहा है, तुम जैसे कह रहे हो वैसी प्रेरणा यदि मिले तो फिर नर्स डॉक्टर की क्या आवश्यकता है? भगवान खुद बीमारी अच्छी करेगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की लीला को समझना कठिन है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। प्रश्नकर्ता, माँ दुष्ट भी तो कह सकता है कि भगवान ने ही मुझको दुष्ट काम करने की प्रेरणा दी है। माँ, दुष्ट ऐसा कह नहीं सकता है। बीमारी क्यों आती है? बीमारी से आराम नहीं होता है। जहां राम है वहां आराम है, और जहां राम नहीं है वहां व्याराम है। राम कहां नहीं है, उनका खेल अनंत है। कु और सु, दुष्ट और साधु, सब में भगवान ही खेल रहा है। खराब दृष्टि ही खराब है, दृष्टि को सुधारो। अरे दुष्ट भी तो उनका ही रूप है। जहां शुभ परमात्म दृष्टि है वहां कुछ खराब है ही नहीं। सब रूपों को भगवान भाव से देखो। जहां द्विधा भाव है, खराब दृष्टि है, उसको हटाओ। कुदृष्टि से दुख होता है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।